चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सर्टेन पीस ऑफ सिल्वर ऑफ गिवन मास m इज टू बी मेड लाइक अ वायर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ l एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल कैपिटल A विल लीड टू द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। सबसे पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू रो इनटू l अपॉन a। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब है? ये दो सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। पहला, R इज प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर, ये होगा। दूसरा, R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a स्क्वायर, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r पे पावर 4 या डायमीटर पे पावर 4 कर सकते हो, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहता है तो भी लेंथ या एरिया के बदलने से रेजिस्टेंस में वेरिएशन आती है, ठीक है। तो करेक्ट है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन क्या कह रहा है? अगर लेंथ उतनी ही रहे, ठीक है, लेंथ l रहे और एरिया क्रॉस सेक्शन a रहे, तो फॉर्मूला क्या बना हमारा? R इज इक्वल टू, पहली सिचुएशन में, फर्स्ट सिचुएशन में रो इंटू एल अपॉन ए हुआ। दूसरे सिचुएशन में क्या होगा? दूसरे सिचुएशन में रो इंटू टू एल अपॉन ए बाई टू, टू एल अपॉन ए बाई टू कितना हो जाएगा? फोर रो एल अपॉन ए, तो पहले के कंपेयर में तो चार गुना हो गया। तीसरी सिचुएशन जो ये वाली सिचुएशन है, आर थ्री इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई टू अपॉन टू ए, इस सिचुएशन में क्या होने वाला? वन अपॉन फोर रो इंटू एल अपॉन ए। तो थर्ड सिचुएशन में क्या हुआ? लेंथ आपकी आपने आधा किया और एरिया क्रॉस सेक्शन डबल किया, क्या हुआ? रेजिस्टेंस 1/4 यानी मिनिमम रहा इन तीनों सिचुएशन में, ठीक है, इन तीनों। तो एनी ऑफ द अबव वाला केस तो यहां एप्लीकेबल नहीं होगा, थर्ड वाला यानी सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है जिसमें रेजिस्टेंस मिनिमम आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।